मैं प्रिया, प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको सूजी का पैनकेक सिखाएंगे। ये मैंने एक कटोरी सूजी ले रखी है, ये 250 ग्राम सूजी होगी, ये बारीक सूजी है, ठीक है। ये हमने अच्छे से पहले एक बार इसको देख लिया था और इसको अच्छे से हमने छन्नी से छान लिया है, क्योंकि बारिश का टाइम है इसलिए सूजी में, मैदे में, बेसन वगैरह में, आटे में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए हमने इसको छान लिया। आप जब भी यूज़ करिए तो इसको छान के ही यूज़ करिएगा। ये मैंने दही लिया है, ये मैं इसमें डालने जा रही हूँ। दही आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने पैकेट वाला लिया है। देखिए ये मैंने इतना दही लिया है, पूरा भर के नहीं लिया, थोड़ा सा कम लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और अपनी सूजी को फेंट के आधा घंटे के लिए रख देंगे। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। ये देखिए ऐसे हम इसको फेंटते जाएंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि सूजी पानी बहुत पीती है ना। ये फटाफट बनने वाला नाश्ता है, बस उसकी तैयारी पहले से करके रखनी होती है। अगर कोई गेस्ट भी आ रहे हैं या बच्चों को आपको लंच में देना है तो आप इसको बस पहले से फटाफट तैयार करके रख लीजिए तो ये तुरंत बन जाता है। ये देखिए इसका कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है, ये देखिए। सूजी में ना और पानी डालेंगे, क्योंकि ये पानी बहुत पीता है सूजी। कटोरी सूजी ली थी और उसमें एक कटोरी से थोड़ा सा कम दही डाला था और दो कटोरी अभी हमने इसमें पानी डाल दिया है। और ये देखिए अच्छे से इसका पेस्ट बन गया, ठीक है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे रेस्ट पे। सूजी को रख दिया हमने रेस्ट पे और उसके ऊपर एक प्लेट भी ढक दी है। ये मैंने आधा किलो आलू लिया था, ठीक है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये मैंने दो प्याज लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। ये हरे मिर्चे लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये मैंने कढ़ी पत्ता लिया है, ठीक है, इसको भी हमने ले लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश है, आप चाहें तो अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप सुखा के भी रख सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये बारीक मैंने लहसुन लिया है और थोड़ी सी अदरक ले ली है, आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं अगर चॉप ना हो। ये एक चम्मच नमक है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है, आधा चम्मच ये पिसा मिर्चा है, आधा चम्मच गरम मसाला है और आधा ही चम्मच इसमें हल्दी है, ठीक है। अब हम करते हैं अपने गैस को ऑन। आलू को हमने बॉईल तो कर लिया था, इसको मैंने मैश भी कर लिया, आप चाहे तो हाथ से कर लीजिए या मैशर से कर लीजिए। ये हम दो चम्मच इसमें ले रहे हैं रिफाइंड, ऑयल हो गया हमारा गरम, और हमने ये आधा चम्मच ली है राई, अब ये जो अदरक लहसुन हमने बारीक चॉप किया था वो भी डाल देते हैं इसमें। अब हरी मिर्च आपको जितनी भी डालनी है अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ठीक है, मैंने थोड़ी सी ही डाली है। और ये जो बारीक प्याज चॉप किया था ये भी हम इसमें डाल देंगे।
हमने प्याज को देखिए भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूना है, हल्का ही भूना है। अब हम इसमें ये जो मसाले थे ये सब डाल दे रहे हैं और डालेंगे थोड़ा सा पानी, इससे हमारे मसाले जले ना। आलू रखा था वो हम इसमें अब डाल रहे हैं कढ़ाई में, अच्छे से मिला लेंगे आलूओं को प्याज में। ये देखिए आलू हमारा हो रहा है। आप चाहिए तो इसमें मसाला और भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आपको चटपटा खाना है, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा चटपटा नहीं बना रही हूँ, ठीक है। ये मैंने कढ़ी पत्ता अभी इसमें डाला नहीं था, वो मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे डालेंगे हम लोग। इसमें हम हल्का सा ये आधा चम्मच डाल रहे हैं देसी घी, ये देखिए मैंने इसमें इतनी सी राई ले ली है ये डाल रहे हैं और बाकी ये कढ़ी पत्ता डाल दिया, ठीक। अब इसको मिला देंगे हम अपने आलू में जो तैयार हो रहा था। पता है आपको इसमें जो देसी घी का फ्लेवर आएगा ना ये बहुत अच्छा आएगा। और हम लास्ट में इसमें डालेंगे, आज को हम धीमी रखेंगे और हम इसमें आधा चम्मच मिलाएंगे चाट मसाला, ठीक है। बस मैं आज को धीमी रखी थी, एक मिनट के लिए हम करेंगे इसको तेज़। ऐसे आलू हम लोग पराठे के लिए बनाते हैं, दोशे के लिए भी बनाते हैं, बस इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। आलू हो गया हमारा रेडी, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे, हमारे आलू हो गए रेडी, ठीक है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको भी रख देंगे रेस्ट के लिए। और अभी हमारी सूजी भी रखी हुई है, अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आधा घंटा हो गया है पूरा। ये देखिए मैंने ऐसे टिकिया बना के रखी हुई हैं, एक बार आपको दिखा भी दे रही हूँ। ये देखिए हमारे सूजी पैनकेक के लिए ये आलू की टिकिया तैयार हो गई, ठीक है। ये जो सूजी को हमने रेस्ट पे रख दिया था आधा घंटा, ये देखिए इसने खूब अच्छे तरह से सूजी ने पानी को पी लिया है ना, हमने ज़्यादा डाला था, देख लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा और हम पानी डालेंगे, जैसे दोशे का बैटर बनता है ना वैसे ही हम ये बनाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं, खूब अच्छे से इसको ये मैंने नॉनस्टिक तवा रख दिया है और इसको गैस कर देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे अभी हम। ये देखिए अभी हमको इसमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी, तो एक कलछुल पानी हम इसमें और ऐड कर लेंगे।
इसमें हम 1/4 स्पून डालेंगे काला नमक। ठीक है, तवा हो गया हमारा गरम, ये हमने ऑयल निकाल के रख लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ले लीजिएगा या देसी घी ले लीजिएगा। और पैन के बीच में ही ये ऑयल को हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब एक कलछुल हम इसमें से लेंगे अपना बैटर, बस, और इतना बड़ा गोल हम बना देंगे। डोसा तो हम बड़ा बनाते हैं, पैनकेक के लिए इसको हम छोटा सा बना देंगे। ठीक है, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत हेल्दी हैं, ये बहुत हेल्दी भी होते हैं और फटाफट बन जाते हैं। अगर आप इसको तैयार करके रखेंगे ना तो ये फटाफट बन जाएंगे। अब हम एक टिकिया उठाएंगे और उस टिकिया को इस पे रखेंगे। ठीक है, बस हल्के हाथ से इसको दबा देंगे। ठीक, और इसके ऊपर एक बार फिर से इसको हम कर देंगे बंद। ठीक है, तो फिर हल्का सा ऑयल डाल देंगे। ठीक है, हमने इसको डाल दिया और हल्का सा इस पर ऑयल भी लगा दिया। देखिए छूट गया कितनी आसानी से ना। अब हम इसको धीमे से पलट देंगे। और हल्का सा साइडों में ऑयल लगा देंगे। और आज को मीडियम ही रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे, ये सिक गया है। ऐसा ही हम दूसरा भी डाल देंगे। बीच में ऑयल लगाएंगे, ये देखिए, बस इसको ऐसे ही डाल दीजिए। वैसे तो रिफाइंड इसको पड़ाइए। टिकिया लेके इसको धीरे से रख दें। अब दूसरी बार हम ऊपर से सही डाल दें। जिधर बचेगा वो उसको थोड़ा सा घुमा देंगे हल्का। ये देखिए हमारा पैनकेक रेडी हो गया।
ठीक है, हम एक और बनाएंगे। हल्का सा लगा देंगे ऑयल। अब टिक्किया को, जो टिक्की हमने बनाई थी उसको हाथ से ही फैला लीजिए, ठीक है। और इसको बहुत, अब ये अच्छे से सिका नहीं है, हल्का सा सिक जाने दीजिए। हल्का सा ऊपर से लगा लेंगे ऑयल। बहुत अच्छे लगते हैं ये सूजी के पैनकेक। बहुत हल्के हाथ से इसको पलटिएगा। कभी कभी ये हल्का सा जब आप डालते हैं ना तो ये फैलता है, तो कोई बात नहीं, आप जब इसको पलटिए तो हल्का सा तवे को तिरछा कर लीजिए, फिर इसे आप पलटिए। दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक जाए। ये एक नई चीज़ है, अगर बच्चों को बना के देंगी टिफिन में, या कोई गेस्ट आ रहा है या आप भी बनाएं, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना बढ़िया ये सिक गया है। अभी पीछे हल्का सा कम सिका है, तो इसको फिर से पलट देंगे। ये देखिए हमारे पैनकेक सूजी वाले। पैनकेक हमारा हो गया है तैयार। अब हम करेंगे गैस बंद। ये देखिए हमने चार पैनकेक बनाए हैं। अब इसको हम प्लेट में आपको लगाकर दिखाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे सूजी के पैनकेक, है ना। अब इसको बीच में से हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो नाइफ से कर लीजिए, मैं पिज़्ज़ा कटर से कर रही हूँ। ये देखिए इसके अंदर जो हमने आलू स्टफ़ किया था, ये देखिए बच्चों के लिए एक नई डिश। अब हम इसको प्लेट में डेकोरेट करते हैं। ये देखिए तैयार हो गए हमारे सूजी के पैनकेक गर्मा गर्म। मैंने इसको टमाटो सॉस और ये इमली की चटनी बनाई है खट्टी मीठी, इसके साथ खाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इसे ज़रूर बनाइएगा, आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और अपने बड़ों को भी खिलाइए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।